हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज इस व्लॉग में मैं ममता को देने वाली हूँ पनिशमेंट। फाइनली वो दिन आज आ ही गया। सो चलते हैं, पनिशमेंट की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो वापस से पढ़ने बैठ जाएगी तो वो पनिशमेंट नहीं लेगी। तो चलो, बहुत मुश्किलों के बाद उसे मना है पनिशमेंट के लिए, वरना वो मना ही कर रही थी कि मुझे नहीं चाहिए पनिशमेंट। वो लेने के लिए तैयारी नहीं थी। वो बोल रही है जो करना कर लो, मैं वो ये जूस वूस नहीं पहनूंगी। चलो तो अब तैयारी करते हैं बिना। और करेला तो इतना कड़वा होगा, तो फिर मैंने सोचा है क्यों ना इसको बाद में केक बना के खिलाओ। केक मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। तो चलो सब तैयारी करते हैं। ये रही, देखो बोल रहे थे ना इसके हेयर कट कैसे हुए। ममता दे रहे हेयर कट दिखा। ये रहे देखो इसके हेयर कट। और निशा भी यहाँ पे सो गई है। ये रेस्ट अभी जाके करेला लाना पड़ेगा, तो चलते पहले करेला लेने के लिए। तो इधर मैंने बहुत सारी शॉप एक्सप्लोर करी तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। फिर लास्ट में यहाँ पे इस आंटी ने मुझे ऐसे ही दे दिया करेला। आई करेलो जाइए कितना नो और उसके बाद थोड़ा बहुत दुकान का कुछ सामान वगैरह लाना था तो वो मैंने ले लिया और घर पहुंच गई। अभी मैं घर पे आ गई। ये रहा मेरा करेला और ये जो सामान मैंने लिया था दुकान के लिए, ये करेला। इसने कभी भी करेला खाया ही नहीं है। इसका मुंह देखो किसे हुई है। आगे से कोई मेरे साथ कोई ऐसा चैलेंज वैलेंज कुछ करेगा ही नहीं। आज ये करेला का जूस पिएगी तो अगली बार ध्यान रखेगी। श्लोक तू करेगा? मैं केक बनाने के लिए यही बिस्किट वगैरह यूज़ करूँगी। और फिर मैंने करेला का जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, अचानक से मेरी मासी ने सरप्राइज दे दिया। मासी, और यहाँ पे मेरा करेला का जूस बनके रेडी हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ और नींबू भी थोड़ा मैंने ऐड कर दिया है। ये अभी नाटक कर रही है, इसको पनिशमेंट नहीं लेनी इसलिए। चलो इसका मुंह तो देखो। चलो चलो, इतनी खुशी मुझे इसको पनिशमेंट देने में। इसको आइए ममता, ढोलवानो नहीं पीवानो है। जितना बस पियो, अब पियो। एक सांस में ले ले, एक सांस में ले ले। अब नाटक मत कर। तू पहला एक बूंद जानो थी मारती नहीं पी, मुझे नहीं पी। इसने मुझे ही पिला लिया। सिर्फ पानी लेना हो पी जा पी जा पी जा। फाइनली इसने पानी से ले ले। मत पी तू। इसके आँख में से पानी आ गए। ममता को दे दी पनिशमेंट, पर उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया है। मतलब वो कभी पीती नहीं है ना। मैंने उसके आगे पिया, उसने बोला पहले आप करेला का जूस पियो, तो मैंने पी लिया क्योंकि मैं पहले भी पीती रहती थी घर पे, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा। मैंने पहला नीम का जूस पिया, अपने आगे की पनिशमेंट की वीडियो में देखा होगा तो मैंने नीम का जूस भी पिया था। बट क्या करें, अब कैसी लगी पनिशमेंट एक बार बता तो सही। ये गुस्सा हो रही है मुझ पे, रो रही है। इसने एक मिनट, इसने जिंदगी में पहली बार करेले का जूस पिया तो मुझे पता ही था ये मुझसे गुस्सा होगी, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसके लिए केक बना दिया था। मेरा केक जल गया, मतलब केक का केक लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही बन गया। ये तो हॉट ब्राउनी हो गई, अब इसमें ओनली आइसक्रीम की कमी है। मैंने
ये यहाँ पे सो गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हुई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभी ये जस्ट उठ गई है नींद में से, तो मैं इसके लिए केक लेके आती हूँ और इसको खिलाती हूँ, थोड़ा मूड इसका अच्छा करती हूँ। ये मैंने कुछ बनाया था, देखो स्वीट डिश। फिर जो भी बना था वो हमने अच्छे से इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैं ऐसे ही बैठी थी और पलंग के ऊपर चौक पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे मन में जो भी आया मैंने ये पोर्ट्रेट बना दिया पलंग पे ही। बट ये है कि इसको पोछना पड़ेगा क्योंकि ऐसे परमानेंट तो रह नहीं सकता, वरना पेपर पे बनाया होता तो मैं रख लेती। आप कमेंट करके बताना ये कैसा बना है। ओनली चौक से ही, यानी रेफरेंस मैंने कुछ यूज़ नहीं किया। और फिर खाने में बना था आलू का पराठा, वो भी इंजॉय किया। गाइस आप सभी को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में। और जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं ममता का फिर से अच्छे से नया मतलब पूरा लुक करूँगी, उसका अच्छे से हेयर कट कराऊँगी, उसका प्रॉपर वीडियो में शूट करूँगी स्टेप बाय स्टेप उसका कैसे हेयर कट हुआ है। सो चलो आई होप आप सभी को मेरा ये आज का पनिशमेंट वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलती हूँ मैं आप जल्दी ही आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड हाँ, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि पनिशमेंट मतलब इस तरीके से ज़्यादा कुछ ना दूँ, मतलब थोड़ी बहुत होगा तो चलेगा, वरना इस बार से वो कुछ चैलेंज वगैरह मेरे साथ नहीं करेंगे। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।